यूपी में आज होने वाली यूपी टेट की परीक्षा पेपर लीक होने के चलते पोस्टपोन कर दी गई है। प्रयागराज परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने एग्जाम निरस्त करने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नई तारीख की जल्द ही घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि इस परीक्षा में करीब 21 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे। बताया जा रहा है कि अभी एक महीने के बाद ये परीक्षा नए सिरे से फिर से आयोजित की जाएगी। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पहले पेपर की आधी परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों से कॉपी जमा कराई जा रही थी। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव दीपक कुमार के आदेश के बाद परीक्षा रद्द की गई। सर, हम गोमती नगर से आए हैं और हम लोग यहाँ पे काफ़ी पैसे वेस्ट कर दिए आके यहाँ पे, ऐसे लग रहा है। क्योंकि हम लोग जब एग्ज़ाम दे रहे थे अंदर, फिर अचानक से पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और फिर हम लोगों को फिर बाहर कर दिया गया। फिर अगला नोटिफिकेशन जब जारी होगा तब एग्ज़ाम देने के लिए बोला गया है, तो हम लोग का भाड़ा किराया लगा, सब कुछ बेकार गया, टाइम गया। क्या कुछ तैयारियाँ थी? तैयारी हम लोग भरपूर करके आए थे और पेपर बहुत ही अच्छा लग रहा था करने में, और हम लोग अच्छे से कर भी रहे थे और क्वेश्चन लग रहा था कि ईजी है, अच्छे से हो रहा था। लेकिन अच्छा, परीक्षा दे रहे थे आप तभी बोल दिया गया कि? हाँ, हम लोग परीक्षा दे रहे थे ऑलमोस्ट, मतलब एक घंटा डेढ़ घंटा हुआ था और इसके बीच में मतलब हम लोग 50% क्वेश्चन हल भी कर लिए थे, पेपर भी आसान था ऐसा लग रहा था। लेकिन क्या कुछ अधिकारियों ने कोई बात कही जब आप लोग? नहीं, अधिकारी नहीं, हम लोगों के क्लास में ही मतलब अनाउंस किया गया कि सर आप लोगों का पेपर कैंसिल हो गया, आप लोग शांति से रहें। क्या डेट बताएगी आगे की? कोई डेट नहीं बताएगी अभी, बाकी नोटिफिकेशन जारी होगा उसके हिसाब से फिर हम लोग को पता चल पाएगा। हम पूरी रात भर पढ़ाई करके आए थे और दूर से आए थे और कैंसिल कर दिए एकदम से। सारे क्वेश्चन पेपर भी बहुत इजी था, बट बीच में ही बंद करवा दिया हमसे। पेपर आप दे रहे थे, फिर बीच में क्या कुछ सूचना आई जो पेपर बंद कर दिया गया? यही कि पेपर लीक हो गया, अब कैंसिल है। अब दोबारा क्या बोले हैं? कुछ बोले हैं यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी? कुछ बोले हैं? नहीं, कुछ नहीं बोला, सीधा बाहर निकाल दिया बस। दो पालियों में 10 से 12:30 तथा 2:30 से 5 बजे तक की दो पालियों में आयोजित होनी थी, जिसमें सभी 75 जनपदों में के कुल 2736 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा की जानी थी, जिसमें 19,99,418 अभ्यर्थी या परीक्षार्थी शामिल होने थे। सरकार की प्रतिबद्धता शुरू से सभी परीक्षाओं को सुचितापूर्ण तथा पारदर्शी तरीके से कराने की रही है, और इसमें हम लोगों ने, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि आज तक कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जो कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से जिसमें इंटरफेरेंस रहा हो। और हम लोग इसमें, हमारी जो स्पेशल यूनिट्स हैं विशेषकर एसटीएफ, कामयाब रही है, और हम लोग ने पूरी तरीके से सभी परीक्षाओं को नकल विहीन कराने में सफलता प्राप्त की है। इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही थी, इसके लिए संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा डीजीपी स्तर पर मीटिंग की गई तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ये जो नकल माफिया है या सॉल्वर गैंग है, इन पे कड़ी नजर रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया।